रतलाम जिले की राउटी तहसील में एक पंचायत ऐसी भी है जहां पर चुनाव होने के पूर्व ही सरपंच और पूरी पंचायत का चयन हो गया। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरपंच से लेकर पंच तक सभी इसमें महिलाएं हैं, पुरुष की कहीं भी भागीदारी नहीं रखी गई। हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के ग्राम पंचायत डाबड़ी के, जहाँ पर चुनाव होने के पूर्व ही पंचायत का गठन हो चुका है। पूरे मामले के अनुसार इस ग्राम पंचायत में कुल 16 वार्ड थे, जिसमें 8 वार्ड पर पुरुष मैदान में थे तथा 8 के महिलाएं, इसके अलावा सरपंच का पद भी पुरुष के लिए था, परंतु गुर्जर बाहुल्य इस गांव में सभी लोगों के सर्वानुमति बनाकर निर्विरोध चुनाव संपन्न करा दिए, जिसमें इसके पूर्व के सरपंच आदिवासी महिला को एक बार पुनः सरपंच बनाया गया तथा अन्य पदों तथा पंच के पदों पर भी महिलाओं को चुना गया। ग्रामवासियों ने चुनाव लड़ रहे सभी लोगों को मिलजुल कर बनाया और परिणाम आया है कि नाम वापसी के पूर्व ही पंचायत का गठन हो गया। लोगों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि जिस किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच पूरी पंचायत महिलाओं की रहेगी, वहां पर विकास के लिए अतिरिक्त रुपए 15 लाख दिए जाएंगे और वहां पर शिवराज सिंह चौहान भी जाएंगे। अब गाँव वासियों को इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणा के अनुरूप धनराशि प्रदान करें एवं उनके गाँव में आकर पूर्व में किए गए विकास कार्यों को देखें तथा होने वाले नए विकास कार्यों की भी रूपरेखा को देखें। नई सरपंच चेताबाई देवदा, पति लाल सिंह देवदा एवं उनकी पूरी पंचायत का कहना है कि पहले जो विकास कार्य हुए उससे अधिक विकास कार्य करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा समस्या होती है, इसलिए महिलाओं की पंचायत उनकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकती है।